क्लास 10 के सारे बच्चे आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके लिए आप लोगों को कुछ टॉपिक समझने पड़ेंगे। वैसे ये टॉपिक्स मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाए थे, एक शॉर्टकट में मैं आपको समझा रहा, देन आप उसे ध्यान से देखेंगे। अगर a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल नहीं है, if a1 by a2 is not equal b1 by b2, तो इन दिस कंडीशन, ऐसी कंडीशन में आपका जो समीकरण होगा, आपकी जो इक्वेशन होगी, उसका एक अद्वितीय हल होगा, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन की बात करें हल की, तो ठीक है। और अगर रेखाओं की बात करें, लाइंस की, तो ग्राफ पेपर पर एक समीकरण की, एक इक्वेशन की लाइन ऐसी आएगी और दूसरे की ऐसी आएगी, और दोनों लाइनें एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। द टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी एक बिंदु पर। और अगर समीकरण की बात करें, इक्वेशन की, तो इसका हमें एक हल मिल गया, इसका हमें एक सॉल्यूशन मिल गया, और जिसका हल मिल जाए, इसका सॉल्यूशन मिल जाए, वो कहलाता है कंसिस्टेंट समीकरण, संगत होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन में अगर a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल है, लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे समीकरण का कोई हल नहीं होगा, हमारे इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। लाइंस की बात करें, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर आएगी, टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, रेखाएं समांतर होगी। और समीकरण की बात करें, इक्वेशंस की, तो इसका हमें कोई हल नहीं मिला, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, समीकरण असंगत हो जाएगा। इसका हल है वो संगत, जिसका हल नहीं है वो असंगत, इसका सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट, इसका सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 तीनों इक्वल, तो ऐसी कंडीशन में हमारे समीकरण का, हमारी इक्वेशंस का अनंत अनेक होगा, इनफाइनाइट के मेनी सॉल्यूशन, यानी उसके बहुत सारे हल होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और लाइंस की बात करें, तो एक लाइन ऐसी आएगी और दूसरी लाइन उसी के ऊपर आ जाएगी, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे पर आ जाएगी, ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे रेखाएं समपाती होगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक, और उनके बहुत सारे हल होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि वो हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर एक दूसरे से मिलेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। इसीलिए कहा गया है अनंत अनेक हल, देयर आर मेनी सॉल्यूशन, और इसके बहुत सारे हल है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो ये भी संगत होगा, ये भी कंसिस्टेंट होगा, यानी जिसका एक हल है, एक सॉल्यूशन, वो संगत होगा, कंसिस्टेंट, जिसके अनेक हल है, मेनी सॉल्यूशन, वो भी संगत होगा, कंसिस्टेंट, और जिसका कोई हल नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, वो असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब हम लोग जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो इसी पे डिपेंड है, देखिए हम कैसे करेंगे। और मैंने आपको ये सारी चीजें इससे पहले भी एक वीडियो में समझाई थी, अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो मेरे चैनल पर इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाएं, जिसमें मैंने यही समझाने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए इस टॉपिक पे डिपेंड 3.2 एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। आप अपनी बुक सामने रखिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे एक प्लेस ना होने की वजह से, स्पेस ना होने की वजह से मैं आपको क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसे यहाँ लिख कर रखना पड़ेगा, तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, हिंदी मीडियम वाले a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 का प्रयोग करते हुए फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंस, यानी आपको बताना है कि जो समीकरण आपको दिया है, जो इक्वेशन आपको दी है, उसकी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंस होगी। मतलब यहां आपको एक समीकरण दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है, आपको सिर्फ ये बताना है कि इनकी जो रेखाएं आती है, इनकी जो लाइनें आती है, मैंने बताया था दो समीकरण होते हैं, दो इक्वेशन, तो एक का एक लाइन आएगी और एक की एक लाइन आएगी, ये दोनों रेखाएं, ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर कट भी कर सकती है, ये दोनों रेखाएं, दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर पैरेलल भी हो सकती है,
और ये दोनों रेखाएं, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर संपाति कोइंसिडेंस भी हो सकती है। तो आपको यही बताना है किसकी रेखाएं, किसकी लाइन प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, किसकी रेखाएं, किसकी लाइन समांतर होगी, पैरेलल होगी, और किसकी रेखाएं, किसकी लाइन संपाति होगी, कोइंसिडेंस होगी, एक दूसरे के ऊपर आएगी। आपको सिर्फ ये बताना है, उसके लिए ये तीन फॉर्मूले यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, अगर ये कंडीशन आई तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, लाइन आर इंटरसेक्ट, ये कंडीशन आई तो रेखाएं समांतर होगी, लाइन आर पैरेलल, और ये कंडीशन आई तो रेखाएं संपाती होगी, लाइन आर कोइंसिडेंस। बस आपको इतना करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमें सिर्फ ये बताना है कि इसकी रेखाएं कैसी होगी, इसकी लाइन कैसी होगी। तो उसके लिए आप कंपेयर कीजिए, A1 by A2, 5 by 7 है, 5 बटे 7 जो x के गुणांक होते हैं, x के कोफिशिएंट, वो A1 by A2 है, B1 by B2 माइनस 4 by 6 है, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 4 2 3 6, और C1 by C2 जो है वो 8 अपॉन माइनस 9। तो आपने देखा A1 by A2 जो है 5 by 7 है और B1 by A2 जो है माइनस 4 by 6 है। तो यहाँ A1 by A2 is not equal B1 by B2, ठीक है, A1 by A2 B1 by B2 के बराबर इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो आपको वो स्टेटमेंट यहाँ लिख देना है, ठीक है। सेकेंड, ठीक है, तो यहां भी हम देखते हैं A1 by A2 आपका 9 बटे 18 है, 9 by 18 इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, B1 by B2 जो है वो 3 by 6 है, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, और C1 by C2 जो है वो 12 बटे 24 है, 12 by 24, इसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, तो A1 by A2 1 by 2 आया, B1 by B2 1 by 2 आया, और C1 by C2 1 by 2 आया। तो आप लिखते A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, तीनों कंडीशन, तीनों चीजें आपस में बराबर आ गई है। तो फिर क्या होगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट, रेखाएं संपाति होगी, यानी इस इक्वेशन की जब लाइन खींची जाएगी, इसकी जब रेखाएं खींची जाएगी तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, मींस कोइंसिडेंस संपाति। तो आप वो स्टेटमेंट यहाँ लिखते हैं, यानी फर्स्ट कंडीशन में रेखाएं समांतर होगी, लाइंस आर इंटरसेक्ट, सॉरी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन वन पॉइंट, और सेकंड कंडीशन में रेखाएं संपाति होगी, लाइंस आर कोइंसिडेंस, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, थर्ड क्वेश्चन में भी आपको A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 के फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी आपको यहाँ भी कुछ समीकरण दिए गए हैं, यहाँ भी कुछ इक्वेशन दी गई है, आपको सिर्फ ये बताना है कौन सा समीकरण, कौन सा इक्वेशन संगत है कंसिस्टेंट और कौन सा असंगत है इनकंसिस्टेंट। तो ध्यान रखना ऐसी कंडीशन में हमारे समीकरण का अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन, हमें उसका एक सॉल्यूशन मिल जाता है, और जिसका सॉल्यूशन मिल गया वो संगत होता है कंसिस्टेंट। इस कंडीशन में हमारे समीकरण का कोई हल नहीं होता, हमारी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ऐसी कंडीशन में हमारा समीकरण संगत नहीं होगा, हमारी इक्वेशन हो जाएगी इनकंसिस्टेंट। और इस कंडीशन में हमारे समीकरण के बहुत सारे हल होते हैं, हमारी इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो इसी कंडीशन में हमारा समीकरण हो जाएगा संगत कंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन है, एक है तो भी कंसिस्टेंट, ज्यादा है तो भी कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, हल है तो संगत
ज्यादा हल है तो भी संगत और कोई हल नहीं है तो असंगत। तो अगला क्वेश्चन उसी पर डिपेंड है, ठीक है, मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो करें फिर थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड का फर्स्ट है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ जो a1/a2 है वो 3/2 है और b1/b2 जो है वो 2/-3 है और c1/c2 जो है वो 5/7 है। तो आपका a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है, तो आप लिख देना a1/a2 is not equal b1/b2। यानी ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, तो इसी कंडीशन में इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, समीकरण संगत है, तो आप लिख देना इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, समीकरण संगत होगा, बस ऐसे ही आपको करते चलना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। ठीक है, तो देखें आप यहाँ a1/a2 ले ले, तो a1/a2 जो है वो 2/4 है, जिसे हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 4। ठीक है, b1/b2 ले ले, b1/b2 जो है -3/-6 है, ये कैंसिल हो सकता है, 3 1 3 3 2 6 और c1/c2 जो है वो 8/9 है। तो a1/a2 और b1/b2 इक्वल है, लेकिन c1/c2 नॉट इक्वल है, तो आप लिख दो a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो समीकरण होगा, आपकी जो इक्वेशन होगी वो असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है इसमें हमारे समीकरण का, इसमें हमारे इक्वेशन का कोई हल नहीं होता, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो इन दिस कंडीशन इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, समीकरण असंगत होगा, वो आप लोग लिख दे। नेक्स्ट, अब हम थर्ड करके देखते हैं। ये देखिए आपका फर्स्ट समीकरण, पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड है। थोड़ा सा ध्यान देना, जो x के गुणांक होते हैं, x के कोफिशिएंट, ये a1/a2, ये b1/b2 और ये c1/c2। ठीक है, ये a1 है और ये a2 है, ये b1 है और ये b2 है और ये c1 है और ये c2 है। तो पहले आप a1/a2 लेते, तो a1 जो है आपका 3/2 है अपॉन a2, a1/a2, a2 जो है वो 9 है, y में कुछ नहीं मींस 1 है। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ ये जो डिवाइड है भाग, उसे हम गुणा में बदलेंगे मल्टीप्लाई में, तो 1 चला जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे, 3 3 9। ठीक है, तो 1/6 इसका आंसर आया। अब b1/b2 लेते हैं, तो ये b1 है और ये b2 है, y के कोफिशिएंट, y के गुणांक b1 और b2 होता है, तो b1 की जगह 5/3 आएगा अपॉन b2 की जगह -10 आएगा और y में कुछ नहीं मींस 1। तो हम क्या करेंगे, भाग को डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे, तो ये -1 चला जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे, 5 2 10, 5 2 10, तो ये ऊपर आएगा -1 और नीचे आ जाएगा 6। ठीक है, और c1/c2, ये c1 है और ये c2 है। अब देखिए a1/a2 जो है वो +1/6 है और b1/b2 जो -1/6 है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, और जिसका कोई सॉल्यूशन होता है, जिसका कोई हल होता है, वो समीकरण संगत होता है, वो इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है। तो आप लिख देना इक्वेशन कंसिस्टेंट, समीकरण संगत होगा। ठीक है, अगला करके देखते हैं आपका नेक्स्ट फोर्थ। आपका फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है, वो है 5x - 3y = 11 और -9x + 6y = -22। ठीक है, तो आप a1/a2 देखें, a1/a2 जो है 5y - 10 है, 5 × 5 = 10। ठीक है, अब आप क्या करें कि माइनस आप ऐसा भी लिख सकते, अब आप b1/b2 पे आ जाएं, तो b1/b2 -3/6 है, इसे आप कैंसिल कर सकते हो, 3 × 3 = 6
और अब आप C1/C2 पे आ जाओ, तो C1/C2 11/-22 है, ठीक है, तो 11 बनता 11, 11 2 22, आप माइनस यहाँ भी लिख सकते हो। तो देखो तीनों आंसर सेम आ गए, और जब तीनों आंसर सेम आ जाए तो आप लिख सकते A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ऐसी कंडीशन में इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, अनंतः अनेक हल होंगे, और अगर इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है तो ये संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा, तो आप लिख देना इक्वेशन कंसिस्टेंट, समीकरण संगत होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है आपका 4/3x प्लस 2y = 8 और 2x + 3y = 12, ठीक है। तो हम यहां भी चेक करके देख लेते हैं, a1/a2 जो है 4/3/2, y में कुछ नहीं मीन्स 1, सेम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे, 2 2 4, तो ये आएगा 2/3, ओके। अब आप b1/b2 पे आए, b1/b2 तो सीधे सीधे 2/3 है, अब c1/c2 पे आए, c1/c2 8/12 है, जिसे आप 4 से कैंसिल कर सकते हो, 4 2 8 4 3 12, ये भी 2/3 आया, मींस यहाँ भी तीनों आंसर सेम आए, और तीनों आंसर सेम आए तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो ऐसी कंडीशन में समीकरण संगत है, इक्वेशन कंसिस्टेंट, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में अभी तो आपको फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इनमें से कौन कौन से समीकरण संगत है या असंगत, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही करना है, सेम कंडीशन, ठीक है, देन इट्स योर वर्क, ये आप लोग करोगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए तो मैं करके दिखा दूंगा, और इसके साथ ही साथ आपको इसका ग्राफ भी बनाना है, तो ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे लास्ट में टाइम निकालकर, फिलहाल आप इस वीडियो के बाद क्वेश्चन नंबर 4 सेल्फ करने की कोशिश करें, केवल चेक करना है संगत है या असंगत, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ये वाली कंडीशन आई तो संगत होगा कंसिस्टेंट, ये वाली कंडीशन आई तो असंगत होगा इनकंसिस्टेंट, और ये कंडीशन आई तो संगत होगा कंसिस्टेंट, यानी अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए एक चैलेंजिंग वर्क है, यानी आप इसे करके दिखाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ओके।